हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। सो आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड का, जो कि डिप्लोमा सेकंड ईयर का सिलेबस है, और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सल्फोनामाइड नाम से हमारे चैप्टर में है। तो सल्फोनामाइड के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और डिस्कस में हम ये चीज़ें उस पर डिस्कस करेंगे कि ये सल्फोनामाइड किस टाइम डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया था, और इसके डेफिनेशंस क्या होंगे, क्लासिफिकेशंस क्या हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से। तो इसकी जो हिस्ट्री है, 1935 में ये डिस्कवर किया गया था। 1935 में इसके जो साइंटिस्ट थे वो जर्मनी साइंटिस्ट थे, जिसका नाम है गरहार्ड डैमक। ठीक है, गरहार्ड डैमक नाम के साइंटिस्ट थे, जर्मनी के ये थे, और उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ये भी एक तरह से क्या, ये एक तो केमिस्ट थे जो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और दूसरी चीज जो इसका फर्स्ट ट्रेड नाम है, फर्स्ट उसको बोलते हैं प्रोंटासिल। इसका फर्स्ट जो ट्रेड नेम है उसको प्रोंटासिल। तो गरहार्ड डैमक इसके साइंटिस्ट हो गए जर्मनी के, 1935 में हुआ इसका डिस्कवर, और इसका ट्रेड नेम है प्रोंटासिल। ओके, तो और एक चीज़ और है इसके बारे में कि ये हमारा जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन से पहले ये हमारा डिस्कवर किया गया था, ये हमारा सल्फोनामाइड सल्फा क्लास के ड्रग्स जो भी हैं, कि ये पेनिसिलिन से पहले डिस्कवर किए थे। और बट इनका रोल पेनिसिलिन की तरफ, जैसे कि इसमें पेनिसिलिन जब मार्केट में आया हुआ था जिस टाइम, तो उस टाइम पेनिसिलिन जिस तरीके से वर्क कर रहा था, उसी तरीके से ये पेनिसिलिन से पहले ये सल्फा क्लास के जितने भी ड्रग्स हैं, ये उस तरह एक अच्छा इसका एडवांटेज की अच्छी बायोबिलिटी मिल रही थी, एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा था पेशेंट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं इसके डिफिनीशन में क्या क्या है। तो सबसे पहले डिफिनीशन में कि हमें क्या लिखना है, ये सल्फा को कंटेन करता है, मतलब सल्फर ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन क्या है कि इट हैविंग सल्फर ग्रुप। ओके, दूसरी चीज़ ये हमारा क्या है, सिंथेटिक ड्रग्स है। ठीक है, सिंथेटिक ड्रग्स है, सल्फर ग्रुप कंटेन करता है। उसके अलावा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है ये। ठीक है, तो अब ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, इस वजह से इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी प्रेजेंट है। तो हम इसको डिफिनीशन में अपने ये भी लिखेंगे, इट्स हैविंग एक्टिविटी रिलेटेड टू एंटी बैक्टीरियल एज वेल एज एंटी फंगल। ये हमारा क्या है, एंटी फंगल भी वर्क करता है। तो हम इसको लिखेंगे ये कि हमारा एंटी फंगल भी ये ड्रग यूज़ हो जाता है। उसके अलावा और आगे बढ़ते हैं तो ये है जो है ड्रग, ये पाबा का डेरिवेटिव है। पाबा क्या होता है, पैरामिनो बेंजोइक एसिड, ये उसका डेरिवेटिव ही है। ठीक है, क्लियर। तो आप फिर से देखते हैं, गरहार्ड डैमक ने इसके डिस्कवर किया था 1935 में, वो जर्मनी के थे, पेनिसिलिन से पहले इसकी डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, इसका जो फर्स्ट ट्रेड नेम है उसका नाम है प्रोंटासिल। डिफिनीशन में सिंथेटिक ड्रग्स है, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी प्रेजेंट होता है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रेजेंट होता है, एंटी फंगल भी ये यूज़ होता है, पैरामिनो बेंजोइक एसिड का ये डेरिवेटिव होता है। दैट इज क्लियर। नाउ वी आर मूव ऑन द सेकेंड पार्ट, दैट इज अ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए बात की जाए तो इसका अलग अलग वो तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे हर ड्रग्स का होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ अप्लीकेशन इन द बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन टाइमिंग। तो जैसे कि बट आज हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन, कि ये हमारा ड्रग्स जो है कितने टाइम ड्यूरेशन तक हमारी बॉडी में रहता है, उस बेस पे हम इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो उस बेस पे बेसिकली ये तीन तरीके से क्लासिफाइड किया गया, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। इसको स्पेशली थ्री तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। शॉर्ट एक्टिंग नाम से क्लियर है कि शॉर्ट में एक टाइम पीरियड है उसका, और उसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग मतलब शॉर्ट एक्टिंग से थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद हमारा आता है लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, तीन तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया। अब देखते हैं शॉर्ट एक्टिंग में, तो शॉर्ट एक्टिंग के एग्जाम्पल देखेंगे। सल्फाक्साजोल एग्जाम्पल किसका है, शॉर्ट एक्टिंग का, और सल्फा मेथॉक्साजोल एग्जाम्पल किसका है, इंटरमीडिएट एक्टिंग का, और सल्फा डॉक्सिन एग्जाम्पल किसका है, ये हमारा डॉक्सिन है, सल्फा डॉक्सिन एग्जाम्पल किसका, हमारा लॉन्ग एक्टिंग का। तो सल्फा मेथॉक्साजोल इंटरमीडिएट, सल्फा डॉक्सिन लॉन्ग एक्टिंग, और सल्फाक्साजोल हमारा एग्जाम्पल है शॉर्ट एक्टिंग का। अच्छा, एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि ये जो शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग है इसका मतलब क्या है। शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग मीन्स कि ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहते, ये हमारी बॉडी में
रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद रैपिडली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, मतलब जल्दी से बॉडी में एब्जॉर्ब भी होते हैं और उसके बाद बॉडी से पास आउट भी हो जाते हैं। तो इस उनके अंदर अगर ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, इसी वजह से उनको कैटेगराइज किया गया, तुमको सार्ट एक्टिंग में कैटेगराइज किया गया, ठीक है। उसके बाद हाँ, नेक्स्ट हमारा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करने से पहले एक वर्ड आता है इसमें, वो डिस्कस करते हैं कि फोलिक एसिड क्या होता है, ठीक है। तो फोलिक एसिड क्या होता है कि एक तरह का ये केमिकल कंपाउंड है जो बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो फोलिक एसिड यूज़ करती हैं, क्यों, जिससे वो अपने न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करती हैं, ठीक है। मीन्स कि हमें याद रखना है कि जो बैक्टीरिया होती हैं वो फोलिक एसिड से अपना, फोलिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करती हैं। तो ये जो हमारा एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, तो इसको, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेस है वो इसी पे बेस है कि ये हमारा ड्रग्स जो फोलिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है, वो फोलिक एसिड जो कि बैक्टीरिया को हेल्प दे रही है उनकी न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसिस करने में, तो ये हमारा जो ड्रग है एंटी बैक्टीरियल वो फोलिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, क्लियर। कि अगर इसकी डिफिनीशन, सॉरी इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है कि ये क्या करता है, फोलिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, ठीक, क्लियर। अगर देखा जाए कि जो फोलिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है वो किस किस वे में हो रहा है, तो सबसे पहले जो पैराअमीनोबेंजोइक एसिड है वो हमारा क्या कर रहा है, ट्राईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेस से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, पावर ट्राईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेस से रिएक्ट करके डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बना रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वहीं डाईहाइड्रोफोलिक एसिड हमारा क्या कर रहा है कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से रिएक्ट करके टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड को बना रहा है, और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से हमारा प्यूरिन सिंथेसाइज हो रहा है, प्यूरिन से वो बैक्टीरिया उसको आरएनए डीएनए और चीज़ों में यूटिलाइज कर रही है। तो जो हमारा सल्फा क्लास के ड्रग है वो जो पैराअमीनोबेंजोइक एसिड से पैराअमीनोबेंजोइक एसिड से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा है वो उस प्रोसेस पे जाके बीच में ब्लॉक कर देता है, जिससे कि पावा से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड की सिंथेसिस बंद हो जाती है। उसके बाद एक और हमारा ड्रग आता है जो कि है ट्राईमेथाप्रीन। हाँ, ट्राईमेथाप्रीन क्या करता है, वो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा है उस प्रोसेस में जाके वो ड्रग एक्ट कर रही है, और वो उसके बाद जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा है उसके प्रोसेस को ब्लॉक कर रही है। मतलब सल्फोना क्लास के ड्रग जो सल्फोनामाइड है वो हमारा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होने दे रहा है, और जो हमारा दूसरा ड्रग है ट्राईमेथाप्रीन वो क्या कर रहा है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से जो हमारा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड उसके सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहा है, क्लियर। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके यूजेस हमारे बॉडी में या फिर मेडिकल फील्ड में इसके यूजेस कहाँ कहाँ इस तरह की ड्रग है। तो सबसे पहले इसका यूज़ है हमारा एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, सबसे इसका बड़ा यूज़ है एंटी बैक्टीरियल। एंटी बैक्टीरियल के साथ साथ उसके अलावा इट इज़ यूज एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ओके, एंटी फंगल एजेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका यूज़ होता है। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज इन ब्रोंकाइटिस, अगर ब्रोंकाइटिस में किसी तरीके हमारे ब्रोंकिया में किसी तरह की इन्फेक्शन होता है, पेन और इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये वहाँ भी वर्क करता है। उसके अलावा अगर हम किसी तरीके से जल जाते हैं तो उसमें भी हम सल्फोनामाइड को यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद ट्रैवलिंग डायरिया, अगर कोई पेशेंट ट्रैवलिंग डायरिया से सफ़र कर रहा है तो उस तरह के डायरिया में भी हमारा जो सल्फा क्लास के ड्रग है उसको हम अच्छे से यूज़ करते हैं, उसका रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक मिल रहा है। ओके, सो और आई थिंक इतना सफिशियंट है। अगर आप इतना लिखते हो एग्ज़ाम में तो आई थिंक यू अच्छे नंबर को अच्छे से ला सकते हो। तो बस आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखना है, टोटल जितना मैंने बताया कि इसके कब इसको डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया, इसका फर्स्ट रेड नाम क्या है, डेफिनेशन क्या क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। इससे वीडियोस को रिलेटेड आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, और लास्ट में बस यही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक हमारे फार्मा स्टूडेंट पास शेयर करो ताकि इसका एडवांटेज वो ईजिली उठा सके। ओके, थैंक यू।